ताहिर देवला एडवोकेट के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर नूह पुलिस ने यह सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि आगामी 22 जुलाई 2024 को जिला नूह में प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के संबंध में नूह पुलिस ने ताहिर निवासी देवला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोनाक्षी सिंह एडिशनल एसपी नूह ने ये जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि आगामी 22 जुलाई 2024 को जिला नूह में प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के संबंध में ताहिर निवासी देवला के खिलाफ नूह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, एडिशनल एसपी नूह का कहना है कि सोशल मीडिया सेल नूह में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने गत 14 जुलाई 2024 को थाना साइबर क्राइम नूह में एक शिकायत दी। बता दें कि उसमें ताहिर देवला के खिलाफ आगामी 22 जुलाई 2024 को जिला नूह में भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर जलाभिषेक यात्रा के बारे में भड़काऊ पोस्ट की गई थी और अपनी फेसबुक आईडी पर डालने के संबंध में ये मामला सामने आया है, जिस पर नूह पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ताहिर निवासी देवला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नूह के एडिशनल एसपी का कहना है कि अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा, जाति, धर्म, सांप्रदायिक भड़काऊ पोस्ट इत्यादि कोई भी सोशल मीडिया पर ना डालें। अगर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई तो उसके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की कोई गलत अफवाह न फैलाए, अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाए या फिर किसी के धर्म या जाति पर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर नूह पुलिस सख्त एक्शन लेगी। आप देखें नूह मेवात से लिया कर अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी, तो जैसा आपने अभी मेंशन किया, हमारे यहाँ पर हमारे जिला नूह में 22 तारीख को जलाभिषेक यात्रा प्रस्तावित है और उसके लिए जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी हुई है। जैसा आपने बताया, कल हमने एक वकील जिनका कि फेसबुक यूज़र नेम ताहिर देवला के नाम से था और उन्होंने अपने अकाउंट से कुछ भड़काऊ पोस्ट डाला था, तो नूह पुलिस ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हमने कल उनके खिलाफ FIR दर्ज करी है और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। और हमारा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। हम इस तरीके के जो भी कोई लोग अगर पोस्ट डाल रहे हैं, कोई वीडियो और वातावरण खराब होने की आशंका है, तो हम उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए हम आपके जो है अकाउंट के माध्यम से सब आमजनों से भी ये अपील करेंगे कि आप लोग इस समय, मतलब ये एक धार्मिक तौर पे एक सेलिब्रेशन का माहौल है यहाँ पे और इस माहौल को अच्छे तरीके से जो है बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दें। कोई भी ऐसा मैसेज, कोई पोस्ट, कोई ऑडियो, वीडियो, कोई भी ऐसा टेक्स्ट मैसेज भी इस तरीके का ना शेयर करें जिससे कोई सांप्रदायिक माहौल में किसी तरीके की समस्या उत्पन्न हो सके। हम लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यम जो हैं उन पे भी नज़र अपनी बनाए हुए हैं और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। और आमजनों से भी अपील है कि यदि आपको भी पता चलता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी तरीके से किसी धर्म या जाति विशेष के खिलाफ कुछ भड़काऊ कार्य करने की या मैसेज जो है फैलाने की अगर कोशिश कर रहा है तो कृपया आप पुलिस को जो है उसके बारे में सूचना प्रदान करें 112 नंबर पे या हमारे पोर्टल पे आप शिकायत दर्ज कराएं और उसके खिलाफ तुरंत जो है कार्रवाई हम लोग करेंगे।